मैं 14 साल का हूँ। मैं इसी पास ही के स्कूल में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम श्रीमती शांताबाई बालकृष्ण रोले पाटिल है। मैं उस स्कूल के 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जो शारीरिक छोड़ के मानसिक जो काम है वो सब का अच्छा, दूसरे बच्चे से भी अच्छा है, फिर आपने डरने का क्या? ऐसा बोलेगा डॉक्टर लोग को, साइंटिस्ट लोग कुछ ऐसा दवा निकाले कि दुनिया से ये पूरा मिट जाएगा। जैसा अपने राष्ट्रपति भी साइंटिस्ट है, राष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति होगा तो साइंस का काम थोड़ी करेंगे। फिर करते हैं, करेगा नहीं, और रात को सोते भी नहीं, कितना मेहनत करना पड़ता उनको, राष्ट्रपति होगा उनको बैठते नहीं। ये मेरा भांजा रोहित विठल मान है। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद महाराणा। इसकी माँ मेरा सगा नहीं है, मानवा बहन है। जब भी उसको सीरियस हो गए थे, जब भी गवर्नमेंट डॉक्टर भी लिख के दिए ससन में लेके जा, तो उधर लेके गए, डॉक्टर देखे, ट्रीटमेंट भी दिए, बोले अभी इसको अच्छा नहीं होने वाला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बच्चे का भी खून टेस्ट करके लो, HIV टेस्ट करके लो। जब भी 5.5 साल का था, जब उसका HIV पॉजिटिव, लोग बोले HIV लागण ये इन्फेक्शन है। HIV is entry of the virus in the body. After approximately 8 to 10 years of age, his immunity goes down. The immunity we measure in terms of CD4 cells. So normal person CD4 cells are 800 to 1200 or 1500. And when the CD4 count is below 250 or 200, that time the person gets affected by the opportunistic infections. We start ART treatment, antiretroviral treatment, which is the basic treatment started for treating HIV. We start at the level when CD4 count goes below 200. एक कवा पैसा था जंगल जंगल फिरता था, लंबे से एक मटका दिख जाकर डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कवे ने पिया पानी, हो गया हमारी का। From a child infection spreading to another child, you asking? Yeah. No. It's unheard of till now. So there shouldn't be any fear. When he is playing outside, he is having active sports, he's going to school. मेरा नाम मुस्कान। मुस्कान ये स्कूल में पढ़ती, 4th क्लास उर्दू की, ढोले पाटिल, महात्मा ज्योति बापुले। स्कूल में क्या करते हो? उड़िया मारती, जरा खेलती, फिर जरा सोती। फिर जब भी बर्तन नानी को धोने देती, फिर खाना खाती, गोली खाती, फिर सो जाती। रोहित एंड मुस्कान लिव इन टाडीवाला रोड, एन अर्बन स्लम इन पुणे। लाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया, हियर टू HIV इज सिनोनिमस विद फियर, इमोरालिटी, isolation and death. Coupled with poverty and insecurity, living with HIV is not easy. But Muskan and Rohit are lucky. Mera khara naam Chetan aur khota naam Chinu. Nahi, Chinu bhi hai aur Chetan bhi. Aur tumhara? रोहित। केवल रोहित और ऋतिक रोशन भी। वाह। आपका? मेरा नाम राबिया। कोई रो नहीं? कोई रो नहीं। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम की कितनी मालूम क्या? तीसरी। अभी पहले दूसरे में रहते थे, पढ़ाई नहीं। अभी क्या हमका खोली का प्रॉब्लम? किधर जाएंगे मालूम? सोने। अरे
रहने को घर नहीं, रहने को बिस्तर नहीं, हम तो वही हैं। Despite being rejected by his own parents, Raju and his family are trying to rebuild their lives. Along the way, they have found some support from local NGOs. आणि मुलांसाठी आम्हाला जागा एकेकाळी तर आम्ही आत्महत्या करायला असं खूप वेळा निघालं की बाबा आम्हाला एचआयव्ही झालं आता आम्ही आत्महत्या करू चौघही मुलं आता दोन मुलं एक मुलगा निगेटिव्ह आहे आणि आम्ही तिघं पॉझिटिव्ह आहे तर आत्महत्या करू असं खूप वेळा प्रयत्न केला नंतर नंतर आम्हाला खूप लोकांनी समजवलं की बाबा एचआयव्हीमुळं काही होत नाही काही होत नाही NAS India is an HIV AIDS service organization and we work both on prevention and care. When we talk about children living with HIV, you come up against a wall. The government, I don't think, wants to even think about them because it is long-term care. The kind of resources that have come in for HIV has created its own set of problems. Donors have their own games they play, their own politics. I think at many levels it has become a huge money spinning racket. For example, I mean to me it's criminal that we will spend millions of dollars on conferences and meetings and capacity building. However, I think HIV is an extremely political virus. We are so stratified on class and caste lines. How are we going to respond to this virus which is asking all of us to come together and fight it? Who's visually getting infected? The marginalized and the poor, who have never counted anyway. So suddenly, why should they start counting? Look how things work in this country. So why would HIV be any different? We are functioning within an extremely corrupt system. And unfortunately, care is only being seen as medications. That's not care. We need holistic care. Otherwise, people are not going to be able to tolerate these drugs which pass in the name of care. But my whole question is, what happens to these children? Why should society, relatives, school authorities, all of them, they discriminate? You know only four ways of spreading HIV and no way a child can infect other child. In regular day-to-day activities, there is no chance of spreading HIV. And so we require centers like Manavya in Pune, where HIV positive children are kept separately. They have their separate schools because they are not given admission in regular schools. '97 में मानवीय की स्थापना हुई तो उस समय 99 में काम करते करते ऐसे ध्यान में आया कि अभी HIV बच्चों को बहुत ज़रूर है छोटे बच्चों की केयर लेनी ज़्यादा ज़रूरी है एम इज टू गिव गुड प्रॉपर न्यूट्रिशन एजुकेशन टू द चिल्ड्रन पाकिस्तान का इंडिविजुअल विजय न्यूजीलैंड ने श्रीलंका इंस्टीट्यूशनल केयर मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन But for many children, it is their only hope. और ये सब बच्चे मातारवाड़ी में ऊपर एक प्राइमरी स्कूल है फोर्थ स्टैंडर्ड तक वहाँ के स्कूल में जाते थे तो फिर गाँव वालों को मालूम चला कि ये संस्था बीमार बच्चों के लिए काम करती है हमारे बच्चों को बहुत तंग किया गया मीन स्कूल में उनके बुक्स फाड़ते थे फिर टीचर्स भी पत्थर उन्होंने भी कोई बड़े लड़कों को पत्थर वगैरह मारा फिर हमारे बच्चों ने बोला अभी हम लोग नहीं जा सकते स्कूल इतना हमको तंग करते थे नहीं तो अदरवाइज दे यूज टू गो टू स्कूल बिकॉज एटलीस्ट दे आर गेटिंग सोशल पीपल वी आर स्पेंडिंग पर चाइल्ड फॉर आवर चिल्ड्रन 3,500 रुपीज इसमें क्या है कि HIV की बाधा होने के कारण उनकी प्रतिकार शक्ति कम है वी हैव टू स्टार्ट ART ट्रीटमेंट दैट इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग फॉर देम दे हैव टू टेक दैट लाइफ लॉन्ग एंड इट कॉस्ट पर चाइल्ड अबाउट 2,000 रुपीज़
which is very difficult for an ordinary person to manage. Out of the estimated 5.2 million people living with HIV in the country, over 200,000 are children. Not all of them are as lucky as Chetan to have his family by his side. People don't seem to realize children are children. They did not become HIV infected out of choice. They still have a life and they should have equal rights as other children. The status of caring for them in our country, there are a lot of people who are doing good work, but it's not enough. It's far from enough. This center is one of the largest center in Maharashtra. Up to 6,500 people screen kiye hai yahan pe. We have been allotted an enrollment number of 2,500 people. और उसमें से अब तक हमने मोर देन 1900 पेशेंट्स अब तक एनरोल हुए हैं यानी उनको एक्चुअल एआरटी चालू किया है हमने मोर देन 150 बच्चे हैं चिल्ड्रन का कैसा है कि वंस दे आर बॉर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर बिकॉज मदर्स एचआईवी इलाज इज पॉजिटिव द चाइल्ड इज लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव एचआईवी इलाज टिल 1.5 ईयर्स ऑफ एज अगर डेढ़ साल के पहले उसका डायग्नोसिस करना है उसको एचआईवी है कि नहीं तो उसका पीसीआर करना पड़ेगा तो पीसीआर की फैसिलिटी देश में तो अभी बहुत कम जगह पे अवेलेबल है वन पीसीआर विल कॉस्ट अराउंड 3,000 रुपीस पर पेशेंट सो दैट इज अ कॉस्टली अफेयर बट आर देयर सेपरेट एआरटीज फॉर चिल्ड्रन वी हैव सेपरेट पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशंस देयर आर सेपरेट फॉर्मुलेशन दे कम इन डिस्पर्सिबल टैबलेट्स वंस यू पुट अ टैबलेट इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर इट डिसॉल्व्स लाइक डिस्प्रिन सो दोज फॉर्मुलेशंस आर अवेलेबल दैट इज अवेलेबल करंटली इन वैनिला फ्लेवर विद अस So children like that, it is very palatable. So if we tell them that you have to take 2 tablets in the morning, 2 tablets in the evening, the child wants 2.5 tablets because he likes that. So right from a child who weighs 3 kilograms, hum ART chalu kar sakte hain. So people are waiting for their CD4 count to drop to 200 so that they can go on ART. Okay, UNS, WHO in the developing world, 200 or below, ART. What they don't realize is that ART at Sassoon is generic, okay? It is not given according to your physiology, okay? Where a good ART program is, it checks the person, the client, and then gives the best appropriate ART to that person. So what we say is, why wait for it to drop? Keep up your CD4 count with nutrition, with vitamins, with multivitamins, with minerals, okay? And don't rely on ART. When it comes to that stage of ART, then yes, we have about 11 clients who are on the Sassoon program. But we also have clients who have maintained a healthy CD4 count with nutrition and with vitamins and minerals. As a government representative of government, we would say that we are not able to, you know, reach to the whole population who is HIV positive. Because what government has decided कि 2007 तक 1,00,000 लोगों को हम ART पे डालेंगे whereas the number of actual number of people who need ART at the end of 2007 will be much more. Such expensive medication is beyond the means of most people in this country. So how does the common man gain access to these life-saving drugs? We have 5.2 million people infected in India and only 46,000 of them are getting free HIV treatment. Why is that so? It has to be free. The government is supposed to be providing and the free medication is very hard to come by. ART बच्चों में के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि Clinton Foundation ने बच्चों के लिए drug supply किए हुए ART center में उन्होंने क्या किया है कि चाइल्ड हेल्थ कार्ड ऐसा चाइल्ड हेल्थ कार्ड दिया हुआ है तो कोई भी बच्चा हमारे सेंटर में आता है तो हम उसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के साथ उसे हम एक कार्ड दे देते हैं इसे हमने हमें क्लिंटन फाउंडेशन ने एक जैकेट प्रोवाइड किया है जो इससे रख सकता है तो ये कार्ड इसमें चला जाता है ऐसे पेशेंट को दे देते हैं ये कार्ड एक्चुअली इनिशियली नैको ने हमें जो सप्लाई किया था शुरू में तो दे हैव सप्लाइड अस 500 पेशेंट्स मेडिसिन और दे हैव टोल्ड अस दैट डोंट गो बियॉन्ड दैट 500 तक करो पंद्रह सौ से 2,000 अप्रोक्सीमेटली
वेटिंग लिस्ट पे होंगे जिन्हें एआरटी की जरूरत है। मेडिकल टर्म्स में ये फर्स्ट लाइन रेजिमेंट है, फर्स्ट लाइन ड्रग। कुछ कुछ पेशेंट को सेकेंड लाइन रेजिमेंट पे भी शिफ्ट होना है। नहीं, सेकेंड लाइन ड्रग का सप्लाई नहीं है। बुरा सलूक करते हैं हॉस्पिटल में। जो आदमी हक से जाएगा, हाँ बाबा ये डॉक्टर एचआईवी के लिए ही काम करता है, मैं इनके पास ही जाऊंगी, औरों के पास नहीं जाऊंगी, ऐसा एक बनाना चाहिए। अब हम जैसे लोग बहुत ऐसे, हमें लगता है दूसरों की मदद करें, मगर हम अकेले तो खुद नहीं कर सकते, हमारे पास तो पैसा नहीं है। हाँ बाबा चलो हम जाके दूसरों की मदद करें, हम अस्पताल खोलेंगे। व्हाट वी सी टुडे इन द कंट्री इज नॉट केयर। व्हाट वी आर सीइंग इज सम वेरी half-baked, skewed idea of treatment. All I'm saying is, you need care. You don't need just medications. You need nutrition. Families cannot afford that level of nutrition. They cannot ensure children take the drugs. She was already on ART. क्या लेती थी कुछ mention नहीं है and omitted since 1 month. बंदा काम आऊँगी ही तो report ला रही शर्म ना लेना मलाई तो. तू सोचा जब तू काम चे doctor टाके ची नहीं. आमिर तो रास्ते करी सांगी तू तेरी तू ART बंद कर. आओ कोड़े तो बंद के नहीं चाह. भाई भाई इकड़ बंद. तू बाहर ना तू doctor के ना चालू की ना. तेरे तो तेरे कैसा करी तू चालू भेज सोचा जब काम करी. नाही पण तू बंद केली मी तू केलेली आहे आणि त्याला तू जबाबदार आहे त्याला आम्ही जबाबदार नाही असं आम्ही कधी सांगितलं की तुम्हाला ते आम्ही बंद करायचं त्याचे तुझं चूक बंद केले आमच्यावर नको टाकू बाई नाही आता तर देऊच नको बिलकुल तिला आता तर बिलकुल द्यायचं असं ती म्हणते ना आता तर मिळणारच नाही Celebrating life, celebrating responsibly, accountably, and compassionately. Friends, I'm so happy that you've come here today. I'm the Director General of the National AIDS Control Organization. Say yes to life, no to AIDS. Say yes. No to. Save yourselves, don't get AIDS. हम लोगों को मेरी ओर से जय हिंद है। आज केवल हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में ये संक्रामक रोग फैला है और हम लोग आज दिल्ली में बैठे हैं लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में है और गांव के लोग जब एचआईवी एड्स के बारे में जानते हैं तो उनको एक भय उत्पन्न हो जाती है और उस भय को समाप्त करने में जो हमारे कलाकार लोग मैं इन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं जो इस काम में लगे हैं और इनसे प्रभावित होकर के मैं भी अब इसको लेकर के गांव के लोगों को जहां कहीं भी कोई भाषण और मीटिंग में जाता हूं तो लोगों को बताता हूं कि एचआईवी एड्स से घबराने की जरूरत नहीं है इसको जानकारी के आधार पर समाप्त किया जा सकता है रोका जा सकता है
20 years into the epidemic, basic misconceptions have still not been clarified. Somewhere, the government's prevention and awareness campaigns seem to have failed. Children today are bearing the brunt of this entire man-made mess. Children's HIV is a missing face of the epidemic. There are children who are HIV positive but who have not been diagnosed. And that whole chunk we are missing out. And if we don't reach them, they won't survive beyond their first year or beyond their second year or maximum 4-5 years down the lane. Believe me, AIDS orphan would be a major problem in the future. And if we don't address this section, the HIV problem is going to increase. From the one case of HIV in 1986, today we have official figures are 40 lakhs. And with the highest number of HIV positive in our country, the so-called country with a cultural background. I mean, we had put a veil on our eyes from top to bottom, everywhere, everyone. Just because HIV, the major cause of HIV is bisexual, but isn't sexuality is as natural as a life? Why do we not want to talk openly about drug use? Homosexuality has existed in this culture from time immemorial. Why do we completely deny its existence? Why do we still want to keep a law in place which criminalizes same-sex activity? All these are routes of transmission because our culture, our moral values don't allow us to. We don't do any of that thing because we're such a moral culture, right? Suppose in a community there are 1,000 people. In that community there may be 200 people who are infected. Now all our government activities are focused on that 800 people who are not infected, ignoring these 200 people. The government had been very late in starting to spend on treatment and care. And whatever it's doing is not enough. It would never be enough. How much part of our whole budget do we spend on health? We spent much more on the army, on the defense, than on health. It's not enough to just get the message out there.